हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर संजीत। आज हम डिस्कस करेंगे ग्रेड टू के फिशुला के बारे में। डियर फ्रेंड्स, यह जो केस हम डिस्कस करने जा रहे हैं उसमें एक खास बात यह है कि इसमें एक्सटर्नल ओपनिंग अभी नहीं दिख रही है। दूसरा, इसमें एक और चीज़ है, क्योंकि ग्रेड वन का फिशुला का मतलब होता है कि जिसमें एक सिंपल ट्रैक होता है जो कि इंटरस्फिंक्टरिक होता है। ग्रेड टू का मतलब होता है जब जो इंटरस्फिंक्टरिक फिशुला ट्रैक है उसमें एक सेकेंडरी ट्रैक बन जाए या एक एब्सेस बन जाए। तो यह जो केस है वो ग्रेड टू का है, अर्थात इसमें एक फिशुला का ट्रैक है उसके साथ एक एब्सेस भी है इंटरस्फिंक्टरिक स्पेस में। लेकिन एक समस्या यहाँ पे है कि इसमें जो एक्सटर्नल ओपनिंग है वो अभी नहीं बनी है। यानी अगर कोई भी ऐसा फिशुला है जिसमें सिर्फ इंटरनल ओपनिंग है तो इस केस में कैसे हम प्रोबिंग करें कि हमारा जो ये फिशुला है वो पूर्ण रूप से ठीक हो जाए। तो डियर फ्रेंड्स, जब फिशुला के हम अगर एक्सटर्नल ओपनिंग हमें नहीं मिल रही है तो इसमें सबसे बेस्ट जो डायग्नोस्टिक अप्रोच होता है वो एमआरआई फिशुलोग्राम होता है, क्योंकि फिशुलोग्राम एक्सरे भी होता है, लेकिन फिशुलोग्राम एक्सरे के लिए एक्सटर्नल ओपनिंग होना आवश्यक है, क्योंकि जब तक फिशुला में एक्सटर्नल ओपनिंग नहीं होगी आप इंटरनल ओपनिंग कैसे सर्च कर सकते हैं। उसके बाद आता है जैसे हाई रेजोल्यूशन यूएसजी करा सकते हैं या सिटी स्कैन करा सकते हैं, लेकिन इन सब जांचों में सबसे बेस्ट होता है एमआरआई। तो आज जो हम ये केस डिस्कस करने जा रहे हैं सबसे पहले उसकी एमआरआई रिपोर्ट्स देख लेते हैं। जैसा कि आप एमआरआई रिपोर्ट्स में देख सकते हैं कि एमआर फीचर्स आर सजेस्टिव ऑफ ग्रेड टू इंटरस्फिंक्टरिक पेरिनल साइनस ट्रैक विथ स्मॉल एब्सेस फॉर्मेशन एज डिस्क्राइब अबव। ये जो अभी मैंने पढ़ा है ये इम्प्रेशन में आप देख सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं स्मॉल पेरिनल एब्सेस ब्रैकेट में 1.3 × 1.9 × 2.9 cm इज नोटेड इन पोस्टीरियर इंटरस्फिंक्टरिक स्पेस एक्सटेंडिंग फ्रॉम 4 o'clock टू 8 o'clock पोजिशन विथ इंटरनल ओपनिंग एट 7 o'clock पोजिशन अप्रॉक्सीमेटली 2.4 cm फ्रॉम द एनल वर्ज। नो ऑब्वियस एक्सटर्नल ओपनिंग इज नोटेड। यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं पढ़ रहा हूँ वो है नो ऑब्वियस एक्सटर्नल ओपनिंग इज नोटेड, हाउएवर एब्सेस इज बल्जिंग एट 6 to 7 o'clock पोजिशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि यहाँ पे जो एब्सेस है वो बल्ज कर रहा है कहाँ पे, 6 to 7 o'clock पोजिशन। माइल्ड सराउंडिंग सॉफ्ट टिश्यू एडमा इज नोटेड, नो ऑब्वियस सुप्रालिवेटर एक्सटेंशन इज नोटेड। तो जो हमने एमआरआई रिपोर्ट्स में पढ़ा उसके हिसाब से जो फिशुला का ट्रैक है वो इंटरस्फिंक्टरिक है, इंटरस्फिंक्टरिक स्पेस में एक एब्सेस है और इसकी इंटरनल ओपनिंग हमें 7 o'clock पे मिल रही है, लेकिन एक्सटर्नल ओपनिंग अभी नहीं मिल रही है। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे इससे एक क्लू मिलता है इस रिपोर्ट से कि जो बल्जिंग हमें फील हो रहा है वो 6 to 7 o'clock पे है, यानी इसकी जो एक्सटर्नल ओपनिंग बनने वाली होगी वो 6 या 7 पे बनेगी। तो पहले हम थोड़ा सा इस मॉडल से जो हमारी बॉडी की एनाटॉमी है वो थोड़ा सा देख लें, फिर फिशुला के ट्रैक के बारे में पूरा मैं एक्सप्लेन करूंगा कि कैसे होता है। जैसे कि हम लोग देखते हैं कि ये एक मॉडल है जिसके थ्रू हम लोग देखेंगे कि हमारा जो इस केस में जो फिशुला का ट्रैक है वो कहाँ पे होगा। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं ये जो एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, ये है रेक्टम, यहाँ पे है इनोरेक्टल रिंग, फिर इसके नीचे है एनल कैनाल। एनल कैनाल की जो लेंथ होती है टोटल 3.8 cm एन एवरेज होती है, किसी में कम होती है किसी में ज़्यादा होती है, लेकिन एन एवरेज अगर हम देखें तो 3.4 cm की होती है। ये एनोरेक्टल रिंग से लगभग 1.5 cm यहाँ पे आप देख रहे हैं कुछ एनल कॉलम्स होते हैं जिसे हम ये जो लाइनिंग है उसे हम डेंटेड लाइन कहते हैं, तो लगभग 1.5 cm डेंटेड लाइन मिलेगी। यहाँ से 1.5 cm अगर हम नीचे जाएंगे तो यहाँ पे हिल्टन लाइन या वाइट लाइन मिलती है, इससे 0.8 cm जब हम बाहर जाएंगे तो हमें एनल वर्ज मिलेगा। तो ये पूरी एनल कैनाल की पूरी लेंथ है। चूँकि इस केस में जो इंटरनल ओपनिंग मिल रही है वो 2.4 cm पे मिल रही है, इसका मतलब है अगर हम यहाँ से देखें तो डेंटेट लाइन कहाँ जाके हमें मिल रही है, लगभग 2.3 cm, यानी एन एवरेज 2.4 cm पे डेंटेट लाइन है। डियर फ्रेंड्स, जैसा कि हम जानते हैं 70 से 80% जो फिशुला की कॉज होता है मानी बीमारी का जो कारण है वो जब एनल ग्लैंड, ये जो आप एनल ग्लैंड देख रहे हैं ये एनल ग्लैंड जो होते हैं एनल क्रिप्स के थ्रू जो डेंटेट लाइन होती है इसके पीछे जो एनल वॉल्व होते हैं इसके पीछे साइनसेस
में यहाँ पे अपना सिक्रीशन सिक्रीट करते हैं। जब ये एनल ग्लैंड इन्फेक्ट हो जाती हैं तब जाके फिशुला का फॉर्मेशन होता है। क्योंकि यहाँ पे जो फिशुला की इंटरनल ओपनिंग मिल रही है वो 2.4 सेंटीमीटर मिल रही है, यानी यहाँ पे जो बीमारी का कारण है, यानी इस रिपोर्ट से हमने बीमारी का कारण भी ढूंढ लिया, तो लगभग वो ये हुआ होगा कि उस पेशेंट में जो एनल ग्लैंड के एनल क्रिप्ट हैं वो इन्फेक्ट हुई होंगी, जिसकी वजह से ये फिशुला का फॉर्मेशन हुआ। तो इंटरनल ओपनिंग की पोजीशन देखकर हम एक आइडिया लगा सकते हैं कि इस बीमारी का कारण क्या होगा। अगर यही इंटरनल ओपनिंग रेक्टम में ओपन हो रही होती या 3.5 सेंटीमीटर पर ओपन हो रही होती तो इस बीमारी का कारण अलग होता, क्योंकि 3.5 सेंटीमीटर पर डेड वहाँ पर एनल ग्लैंड ना मिलती तो यह हो सकता है उसको ट्यूबरकुलर फिशुला हो सकता है, या क्रोन्स बीमारी की वजह से हो सकता है, या अल्सरेटिव कोलाइटिस, या हो सकता है कि कोई इंजरी की वजह से फिशुला का फॉर्मेशन हो सकता है। दूसरा, अगर इंटरनल ओपनिंग मान लेते हैं 1 सेंटीमीटर मिल रही होती है तो यहाँ पे जो फिशुला का कारण होता वो फिर एनल ग्लैंड की इन्फेक्शन ना होता, बल्कि हो सकता है फिशर से फिशुला का फॉर्मेशन होता। तो डियर फ्रेंड्स, मेरा कहने का पर्याय है कि डायग्नोसिस बनाते समय हम फिशुला के कारण को भी ढूंढ लें, क्योंकि अगर हम फिशुला के कारण को नहीं सही कर पाएंगे तो फिशुला को भी पूर्ण रूप से ठीक नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे 2.4 सेंटीमीटर से ये एक मतलब निकलता है कि मोस्ट प्रोबेबली ये एनल ग्लैंड के इन्फेक्शन की वजह से फिशुला का फॉर्मेशन हुआ होगा। एक तो हो गया इंटरनल ओपनिंग। अब इसके बाहर जो हम ये स्ट्रक्चर देख रहे हैं ये है इंटरनल स्फिंक्टर। इंटरनल स्फिंक्टर क्या होता है, जो रेक्टम होता है इसकी जो सर्कुलर मसल्स होती हैं वो नीचे तक आती हैं, कहाँ तक आती हैं, हिल्टन लाइन तक आती हैं। ये जो हमारी एनल कैनाल होती है उसका लगभग हिल्टन लाइन तक कवर करती है। ये इनवॉलंटरी नेचर होती है और सर्कुलर मसल्स की बनी होती हैं, स्मूथ मसल्स की बनी होती हैं, इनवॉलंटरी नेचर होती हैं और एनल कैनाल के लगभग जो हिल्टन लाइन होती है वहाँ तक आती हैं। और इसके बाद जो स्ट्रक्चर है वो है एक्सटर्नल स्फिंक्टर। एक्सटर्नल स्फिंक्टर पूरी एनल कैनाल को कवर करके रखती है। तीन कंपोनेंट होते हैं, सुपरफिशियल, मीडियल और डीप कंपोनेंट। इसके बीच में जो स्पेस होता है वो है इंटर स्फिंक्टरिक स्पेस। चूँकि MRI रिपोर्ट में आप देख रहे हैं कि जो फिशुला का ट्रैक है वो इंटर स्फिंक्टरिक स्पेस में है और जो एब्सेस है वो भी इंटर स्फिंक्टरिक स्पेस में है। ये कोरोनल सेक्शन है, अभी मैं आपको एक्सियल सेक्शन भी पूरा समझाऊंगा। तो जो फिशुला का ट्रैक है वो इंटर स्फिंक्टरिक स्पेस से होते हुए डेंटेट लाइन पे जाके ओपन हुआ है और उसकी एक्सटर्नल ओपनिंग कहाँ पे, एनल वर्स से लगभग थोड़ी दूर पे है। तो इसका जो फिशुला का ट्रैक रहा होगा, बिल्कुल मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ऐसे गया होगा। ये देखिए इंटर स्फिंक्टरिक स्पेस से होते हुए मान लेते हैं ये जो एनल ग्लैंड है वो इन्फेक्ट हुई होंगी, तो इसकी जो इंटरनल ओपनिंग हमें मिलेगी वो आपको यहाँ पे मिलेगी। तो आप एक ट्रैक देख रहे हैं, तो जब हम इसमें प्रोबिंग करेंगे तो हमारा प्रोब कैसे होगा, कैसे जाएगा, तो प्रोब भी ऐसे ही जाएगा। ये देखिए ये हमारा प्रोब है और यहीं से हम यहाँ पीछे छासूत लाइगेट करेंगे और यहाँ से इसको प्रोब को बाहर निकालेंगे और यहाँ से हम छासूत एक लाइगेट कर देंगे। तो ये हो गया एक सिंपल तरीके से, अगर सिंपल इंट्रास्फिंक्टरिक फिशुला होता तो। लेकिन यहाँ पे दिक्कत क्या आ रही है कि जो हमारा फिशुला है उसमें एक एब्सेस है और जो जिसका जो सर्कुलर अगर हम उसके लेंथ देख रहे हैं वो 4 o'clock से 8 o'clock है। तो ये हो गया। इसके बाद जो होता है वो होता है इश्यूएनल इश्यूरेक्टल फोसा। ये होती है डिफरेंस लिवेटर एनाई मसल। चूँकि यहाँ पे एक चीज लिखा हुआ है नो सुपर लिवेटर एक्सटेंशन, तो अगर ग्रेड 2 है या ग्रेड 3 है, ग्रेड 4 का फिशुला होता है तो उसमें सुपरा लिवेटर एक्सटेंशन नहीं मेंशन होता। अगर सुपरा लिवेटर एक्सटेंशन मेंशन होता तो इसका मतलब वो ग्रेड 5 का हो चुका होता है। तो यहाँ से हमने समझा कि हमारा जो फिशुला का ट्रैक कैसा दिख रहा है, इसकी इंटरनल ओपनिंग है तो उसका कॉज क्या हो सकता है। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा सा इसको समझेंगे इस बेस पे। ये है लिथोटमी पोजिशन पे पेशेंट लेटा हुआ है, इसको हम लोग एक्सियल सेक्शन कहते हैं। ये एनल कैनाल है, जैसा कि अभी आपने इस पिक्चर में पूरा समझ लिया, ये कोरोनल सेक्शन था, अब ये एक्सियल सेक्शन है। ये एनल कैनाल है, एनल कैनाल के बाहर का जो स्ट्रक्चर था वो क्या था, इंटरनल स्फिंक्टर। इंटरनल स्फिंक्टर के बाहर क्या था, एक्सटर्नल स्फिंक्टर। एंड एक्सटर्नल स्फिंक्टर और इंटरनल स्फिंक्टर के बीच में जो स्पेस है वो क्या है, वो है इंटर स्फिंक्टरिक स्पेस। फिशुला अभी आपको यहीं पर दिखेगा, अभी जब हम इसकी लेयर हटाएंगे तो आपको पूरा फिशुला दिखेगा जो कि MRI रिपोर्ट में मेंशन है।
इसके बाद ये जो स्पेस देख रहे हैं ये है इश्चोइनल इश्चोरेक्टल फोसा, यहाँ पे इस तरफ जो है वो ग्लूटियल मैक्सिमस मसल है, यहाँ पे जो है वो ऑपरेटर इंटरनस मसल है, और ये होता है सैक्रो ट्यूबरस लिगामेंट है, और ये एनोकॉक्सीजियस लिगामेंट होता है, ये बैकबोन है, मान लेते हैं कॉकिक्स है, और यहाँ पे क्या है प्यूबिक सिम्फाइसिस। तो ये स्ट्रक्चर है। अब इस केस में हमें फिशुला का ट्रैक कैसा दिखेगा, ये तो है बाहर से, लेकिन फिशुला जो MRI रिपोर्ट है उसमें मेंशन कर रहा है कि जो हमें बल्जिंग फील हो रही है वो 6 to 7 o'clock पे है। तो हमारा जो पूरा फिशुला है वो इंटर इंसमेट्रिक स्पेस में है, यहाँ पे बल्जिंग फील हो रही है। अगर हम इसके एक लेयर हटाएं तो हमें जो एब्सेस जो मेंशन MRI में कैसा दिखेगा, तो अगर हम इसके एक लेयर हटाएं तो यहाँ पे आप ब्लू कलर का देख रहे हैं, तो पूरा का पूरा ट्रैक आपको ऐसे दिखाई देगा, यानी 8 o'clock से 4 o'clock तक जो फिशुला का ट्रैक है, इसको हम बोलते हैं हॉर्स शू सेफ फिशुला। अब सवाल ये आता है कि अगर हमारा जो एब्सेस है वो ऐसे फैला हुआ है तो क्या हम पूरे में छासू लगा करेंगे? नहीं डियर फ्रेंड, ऐसे केस में हम एक विंडो बनाते हैं। विंडो का मतलब होता है एक ऐसे पॉइंट पे हम जो एक्सटर्नल ओपनिंग होती है उसको इतना वाइड कर देते हैं कि जितना भी पस है वो 4 o'clock से जो 8 o'clock तक पस है वो धीरे 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 यहाँ से ड्रेन हो जाए, तो ये जो फिशुला का ट्रैक जो यहाँ पे एब्सेस होता है वो धीरे धीरे अपने आप हील हो जाता है। तो अब इसमें क्या करना है, मान लेते हैं कि एब्सेस हमें अंदर की तरफ है, अब हम प्रोबिंग कैसे करेंगे? हम पूरे एरिया को तो एक्सरसाइज करेंगे नहीं, मान लेते हैं हमारा जो फिशुला का ट्रैक है यहाँ पे बल्ज कर रहा था, ये रेड कलर का मैंने शो किया है, ये रेड कलर का शो कर रहा है, अब इसमें प्रोबिंग कैसे करेंगे? अंदर एक हॉर्सू शेप टाइप का एब्सेस है, बल्जिंग हमें 7 o'clock पे फील हो रही है, इंटरनल ओपनिंग हमें 7 o'clock पे फील हो रही है, और कहाँ डेंटेड लाइन पे है। तो अभी मैंने कोरोनल सेक्शन पे आपको प्रोबिंग करके दिखाया, अब अगर हम अगर वो एक्सियल सेक्शन में देखेंगे तो प्रोबिंग दो तरीके से की जा सकती है जब एक्सटर्नल ओपनिंग आपको नहीं मिल रही है। एक तो हमने पेररेक्टल एग्जामिनेशन किया, इंटरनल ओपनिंग हमने फिंगर से फील कर लिया कि हमें डेंटेड लाइन पे यहाँ पे फील हो रही है, तो हम क्या करेंगे, प्रोब लेंगे, प्रोब से सीधे एनस के अंदर जाएंगे, और यहाँ से सीधे हम यहाँ पे 7 to 6 o'clock पे जहाँ पे बल्जिंग फिर रही वहीं से प्रोब बाहर निकालेंगे। या दूसरा तरीका है कि ये तो स्किल के ऊपर डिपेंड है कि हमारी स्किल कैसी है कि हम जहाँ पे बल्जिंग फिर रही वहीं पे एक्सटर्नल ओपनिंग बना के, और यहाँ पे हमने ये क्या किया, हमने एक एक्सटर्नल ओपनिंग बनाई, अब देखिए यहाँ से एक्सटर्नल ओपनिंग बना दी और ये प्रोब लिया, प्रोब से लेके और यहाँ पे गए और देखिए ये एनल ग्लैंड से हमने प्रोब को निकाला और यहीं से छासू लागे कर दिया और एक्सटर्नल ओपनिंग को हमने वाइड कर दिया, इससे सारा पस जो 4 o'clock से 8 o'clock तक था पूरा ड्रेन धीरे धीरे ड्रेन होता रहेगा। शुरुआत में क्या करना है कि हमें एक्सटर्नल ओपनिंग को थोड़ा वाइड बना रखनी है और छासू को बिल्कुल लूज रखना है ताकि पूरा पहले जो एब्सेस है वो पूरा क्लीन वो पूरा हील हो जाए, फिर उसके बाद हम छारसों से कटिंग पे ध्यान देते हैं। दूसरा तरीका जो था, जब हमने इंटरनल ओपनिंग से प्रोबिंग करके बाहर आए, जब हम देखिए ये आ गया इंटरनल ओपनिंग से बाहर आए, इसको रेट्रोग्रेड प्रोबिंग करते हैं कहते हैं, यानी बैक साइड से प्रोबिंग करना, तो इसमें भी ऐसे ही छारसों लागे कर देते हैं। तो इस तरह के केस में जिसमें इंटरनल ओपनिंग केवल होती है एक्सटर्नल ओपनिंग नहीं होती है उसमें हम रेट्रोग्रेड प्रोबिंग कर सकते हैं। जैसा कि मैंने अभी पूरा आपको इस केस के बारे में बताया, मैंने एक इसको पिक्चर भी ड्रॉ किया हुआ है वो भी कलरफुल, तो जैसा कि मॉडल से बताया वो बिल्कुल ऐसे ही दिखा है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये पेशेंट लिथोटमी पोजीशन में लेटा हुआ है, ये एनल कैनाल है, ये इंटरनल स्फिंक्टर एक्सटर्नल स्फिंक्टर एक्सटर्नल इंटरनल स्फिंक्टर के बीच में ये जो हॉर्सू शेप टाइप का जो एब्सेस है वो 4 o'clock से 8 o'clock तक आप देख सकते हैं, और जो बल्जिंग फील हो रही है वो 7 o'clock पे। तो जैसे मैंने अभी आपको दिखाया रेट्रोग्रेड प्रोबिंग भी बताई, और इंटरनल ओपनिंग से अगर हम बाहर प्रोब निकालेंगे तो रेट्रोग्रेड प्रोबिंग होगी, अंदर से भी हम बाहर निकाल सकते हैं जैसे हम रेट्रोग्रेड प्रोबिंग कह रहे हैं, अब बाहर से भी जहाँ पे बल्जिंग फील हो रही है वहाँ पे फील करके वहाँ से भी एक्सटर्नल ओपनिंग बना के, चूँकि इंटरनल ओपनिंग हमें 7 o'clock पे मिली रही है वहाँ तक हम प्रोब करके छारसूद लाइगेट कर दें, और ये धीरे धीरे कम से कम लगभग 2 to 3 months में ये जो फिशुला का ट्रैक है वो पूरा हील हो जाएगा।
ये तो हो गया एक्सियल सेक्शन। इसी तरह ये आप देख रहे हैं कोरोनल सेक्शन। कोरोनल सेक्शन में भी आप जैसा मैंने मॉडल से बताया बिल्कुल आपको पिक्चराइज करेंगे तो ऐसे ही दिखेगा। देख रहे हैं कि इंटरनल स्फिंक्टर एक्सटर्नल स्फिंक्टर के बीच से ट्रैक जो है वो लगभग डेंटेड लाइन पे जाके ओपन हो रहा है। थैंक यू।